यो मैं हूँ अभी रॉक स्टूडियो 118। आज सुबह मैं लाइव आने की कोशिश किया और मेरा जो पीसी ख़राब हो गया था। एक तो मेरा एक रिलेटिव आया है तो उसके पास लैपटॉप है, वो आया है भिलाई से। आज होली है 2018, तो लैपटॉप से मैं ही ट्राई कर रहा था उसके रूम में। जो लैपटॉप है उससे मैं ट्राई कर रहा था तो उसमें हुआ नहीं। मतलब मैंने कोशिश करी काउंटर स्ट्राइक का लगाकर और उसका जो रेजोल्यूशन है कुछ सेट वेट करके, पर जैसे भी पहले मैं OBS से ट्राई कर रहा था, फिर OBS से नहीं हुआ तो फिर मैंने एक्सप्लिट ब्रॉडकास्टर यूज़ किया तो उससे हो गया। पहले मेरा वेबकैम काम नहीं कर रहा था, पहला जो स्ट्रीम मैंने किया था तो उसमें वेबकैम काम नहीं कर रहा था, जो 13-14 मिनट का उसको काफ़ी लोग देखना चालू कर चुके थे। 13 लोग अगर उसमें कोई दिखता तो लोग आते जाते, बट उसमें कोई दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, फिर दूसरे में जिसमें चालू हुआ तो उसमें क्या है, मेरा फेस था लेफ्ट में, उसके बाद राइट में, मतलब जो बहुत सारे जो सभी को कैप्चर कर ले रहा था वो, मतलब एक गेम कैप्चर भी कर ले रहा था, फिर स्क्रीन कैप्चर कर ले रहा था, तो वो भी अटक अटक के, काफ़ी अटक अटक के हुआ और उसके बाद अपने आप बंद हो गया वो। फिर मैंने तीसरा एक और ट्राई किया, वो कब चालू हुआ कब बंद हुआ मेरे को पता नहीं था, कैसे बंद करते हैं लाइव स्ट्रीम। मैंने लॉग आउट कर दिया, फिर मैंने लॉग इन किया फिर से दोबारा। तो एक अच्छा PC है नहीं, एक अच्छा लैपटॉप है नहीं, तो कहाँ से होगा लाइव स्ट्रीमिंग, है ना। तो अभी चलो यार ब्लैक ऑप्स खेल लेते हैं। ब्लैक ऑप्स है, ब्लैक ऑप्स 1 कॉल ऑफ ड्यूटी, और इसका सेकंड पार्ट होगा मेरे ख्याल से शायद तक। नो मर्सी बोल रही है, नो मर्सी, आई गॉट नो मर्सी। पहले मैं देखता था WWE में यार, ओहो किसी पर लॉन्चर है, लॉन्चर ये चूतिया एक जन है ना ऊपर में, ले साले आराम से जाना पड़ेगा भाई, जल्दीबाजी कोई मतलब नहीं, जल्दबाजी कोई मतलब नहीं। वो चूतिया साला ऊपर खड़ोगे वहाँ पर भोसड़ी के, तुम लोग कभी सुधरोगे? कौन क्या मार रहा समझ नहीं आ रहा, पूरा लॉन्चर कोई मार रहा इतना पता है मेरे को। फक किया आ गया यहाँ से, मरा नहीं भोसड़ी वाला। इतने सारे लोग, बाप रे, फूट 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 फूट, लो एमो, गोलियां खत्म हो रही है इसकी। फॉक मैन फॉक यार, 80 गोलियां। थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा। फॉक गया गया, क्या हुआ मेसन? अरे जनाब पूछ रहा है यार, यहीं पर आके शायद, ओ फॉक यार, हाँ ये ले जाता है फिर उसके बाद, हम पिछले पार्ट में देखा था। और फिर बाइक का इंतजाम होता है भाई। आज तो मेरा ना क्या बताऊँ, आज तो हॉलीडे है वैसे भी, काम आज तो छुट्टी है भाई, तो आज सुबह मेरी नींद पता नहीं कैसे 6 बजे से खुल गई। लौट के नहा के तैयार हो गया, पूजा वूजा करके मैंने लाइव स्ट्रीम का ट्राई किया यार, पर कुछ हुआ नहीं। क्या आज मेरे पास एक लंबा दिन है, लंबा दिन, और जैसा कि मैं होली तो खेलता हूँ नहीं, तो देखूँगा यार आज थोड़ा आराम करूँगा, खाऊँगा थोड़ा बहुत खेलूँगा, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है कि मुझे मेरे आँख में कैसा लग रहा है। ओके फाड़ू स्टंट निकलेंगे भाई, फाड़ू स्टंट, अबे भूसू अरे एक चुटिया मर गया भूसू, कहाँ जाना है रे, कहाँ जा, ये मुड़ क्यों नहीं रहा यार, अरे शूट करूँ, अरे आराम।
आराम से चले हो, फक मैं हार जाऊँ, मैं हार जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा, ये चला ही नहीं रहा यार, ये फर्स्ट पर्सन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं भाई। हाँ हरी अप वो निकल गया। अरे एक नंबर शॉट भाई, फेंका जा रहे हो लोग, अभी दिख रहा है बाइक भी फेंका जा रही है, लेट कर रहा है तू कर रहा है। अबे भाई क्या करूँ, ये चूतिया। अबे हेलीकॉप्टर भी मार रहे हैं चूतिया। बजिया बजिया बजिया। अबे हेलीकॉप्टर को कैसे मारेगा भाई, ओह गॉड क्या स्टंट है भाई, मज़ा ही आ गया। लेकिन फर्स्ट पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई, नहीं बनता यार। ए मारे जा रहा है बस। अरे यार इसको मार। गुड, इसमें चढ़ना है क्या, मेरे को पता था ऐसे ही कुछ होगा मुझे पता था। अब मुझे गोली चलाने के लिए बोलेगा और मैं चलाऊँगा और धनिया वो दूंगा सबको। इसमें अनलिमिटेड गोली है। वाह वक, आज का मौसम बहुत सुहाना है। ओके मुझे घर जाना है। बचाओ, अरे हेलीकॉप्टर को मार 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 मार। फक गया। बाइक पर भी आ गया भाई, ठीक है साले। पड़ 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 यस फक। अरे यार ये बाइकर्स साले रेजिडेंट ईविल बना रहे क्या। अबे कूदना है साले, यार कूदना है मेरे ख्याल से। कैसे अच्छा जंप एक्स गए, पकड़ लिया भाई। इतने दूर से कूदा है। रेजनोव छूट गया यार, उसने रेजनोव ने इसको बचा लिया पर वो गया यार, वो फंस गया। इंटरोगेटर की आवाज़ सुनते हो भाई कैसी रहती है, हाँ 100 के विलन जैसे रहती। 100 अरे स्किप कर रहा है। 100 देखी है तुम लोगों ने, हट। 100 के 8 पार्ट आए हैं। एक इंग्लिश में हॉस्टल मूवी बहुत अच्छी थी, हॉस्टल का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा था। अब तो कितने पार्ट निकल दूंगा यार, ये सब मैंने 10 साल पहले देखा था और अभी तो काफ़ी समय हो गया यार। अब तो यहाँ पे टॉरेंट भी बंद हो गए, पहले टॉरेंट से डाउनलोड करके मूवी देख लेते थे जो फॉरेन की रहती थी, गेम्स डाउनलोड कर लेते थे, सॉफ्टवेयर कर लेते थे, बहुत कुछ हो जाता था पहले, अभी तो कुछ नहीं होता। अभी कुछ नहीं होता भाई। हाँ अभी भी बाहर वहाँ पे बड़ी हालत, मतलब वहाँ अभी भी टॉरेंट चल रहे हैं, लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो इंडिया में ही बस बंद हुआ है ना। अगर कॉपीराइट बंद करना है, जैसे मूवी का आ जाता था, वीडियो आ जाता था, मूवी आ जाती थी है ना टॉरेंट में, तो इंडिया में बंद होना टॉरेंट, और बाहर तो हो रहे हैं डाउनलोड, तो बाहर गेम्स भी हो रहे हैं डाउनलोड टॉरेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पेड सॉफ्टवेयर हैं उनके भी हो रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। अगर करना था तो पूरी दुनिया में करना था, लेकिन यहाँ का लॉ अलग चलता है और बाहर का लॉ अलग चलता है। फॉरेन में फॉरेन का लॉ चलेगा, इंडिया में इंडिया का लॉ चलेगा, तो वहाँ के लॉ के हिसाब से उन लोगों ने बंद नहीं किया यार टॉरेंट। बहुत सारे वहाँ पे सोर्सेस हैं यार, मतलब इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हैं, ऑनलाइन इनकम के, और ऐसा नहीं है कि टॉरेंट बंद हो गया तो फिर, मतलब वहाँ पे तो ये सब तो ज़रूरी चीज़ है यार वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ऐसा कॉपीराइट नहीं देते, वहाँ पर भी मूवी निकल जाती होगी, बहुत सारी मूवी निकल जाती होगी जो भी लॉन्च होती है उसके बाद तुरंत आ जाती होगी इसी दिन या रात में, या जो सिनेमा हॉल की रिकॉर्डिंग रहती है जो आईनॉक्स की और ये सब, तो वो भी रहता होगा यार, पर उनको दिक्कत नहीं है। ओके वीआईपी मैकनमारा क्लर्क वाचिंग मी। डेविड मैसन मस्त लगता है यार, मस्त लगता है। मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में मेरा फेवरेट कुछ होगा ना डेविड मैसन। ओ लाइन दे रही ये, ओ शी स्मोकिंग हॉट।
tell them we're here. At once, sir. Checkpoint. Clearance Prospero. क्या बोल रहा है? अरे बीच का दिखता नहीं है और सेट कर रही है लफाइक. Fuck यार मैं कोटने के बाद इतनी नींद आ रही थी ना. Distinguished hearings. सब कर लिया था पूजा वूजा उसके बाद ऐसी नींद आ रही थी मैं थोड़ा देर में लेट गया था यार. उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा नहीं तो मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा था. और मैं यही कहना चाहूँगा यार कि देखो मैं नहीं कर पाया स्ट्रीम. ठीक है लाइव स्ट्रीम करने वाला था नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव i7 PC. मैं मुझे पता है यार मैं बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन जिसके पेरेंट्स मेरा कहना ये है जिनके पेरेंट्स समझते हैं रिलेटिव समझते हैं दोस्त समझते हैं वो लोग बहुत लक्की भाई. मेरे तो कोई नहीं समझते सच बता रहे हैं कि मुझे किस चीज़ का ज़रूरत है काम करने के लिए. एक अच्छा कंप्यूटर एक अच्छा लैपटॉप गेमिंग करना है कभी रिलैक्स करना है गेमिंग के लिए अच्छा कॉन्सोल PS4 प्रो या फिर Xbox One X. कोई नहीं समझता यार कोई नहीं समझता किसी को बता के मतलब नहीं है. मैंने बताऊँ आज से एक साल पहले भी बोला था रिलेटिव को अच्छे PC अच्छे लैपटॉप और गेमिंग कंसोल के लिए. थैंक यू मिस्टर सेक्रेटरी. कुछ नहीं भाई कोई हेल्प नहीं करता यार लाइफ में. तुम अपने रिस्क पे अगर कर सकते हो तो करो क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है भाई. कोई मारना है क्या इसको? हाँ मारना है क्या? प्रेसिडेंट कैनेडी सीट बैठ रहा हूँ. अटक कैसे गया था यार? चलो आज ग्लिच नहीं हो रहा है जो कल हो रहा था. पता नहीं क्यों हो रहा था मतलब पता नहीं क्यों हो रहा था ग्लिच. तो ओके और क्या करने वाला है यार? देखो यार मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जिसमें 12-12 साल के लोग यूट्यूब चालू कर दिए बच्चे लोग और उसमें उनको पेरेंट्स सब कुछ खरीद कर ले रहे हैं. DSLR से अच्छा वाला 800D और अच्छा PC i7 का अच्छा गेमिंग कंसोल. मतलब 12-12 साल के बच्चे लोग भाई तुम खुद सोच के देखो. दे हैव Xbox One X, दे हैव PS4 Pro, दे हैव अ गुड PC, DSLR, दे हैव अ गेमिंग सेटअप, दे हैव अ सेटअप, दे आर मेकिंग अ सेटअप टूर यार. सेटअप टूर बना रहे हैं लोग. इन लोग के पास इतनी सारी चीज़ें हैं कुछ सोच के देखा यार. और कल तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी आज थोड़ा ठीक लग रहा है. तुम लोग को लग ही रहा होगा देख के यार. आज मुझे भी थोड़ा ठीक लग रहा है. मैं बना रहा हूँ और बोलते भी बन रहे हो. माइक यहाँ पे भी है तो बन रहे के एक मिनट यार. माइक यहाँ पर है अब बन रहा है शायद. नहीं पहले भी हो रहा था लेकिन पता नहीं यार पहले आवाज़ कैसी जा रही थी नहीं जा रही थी पता नहीं चलता है ना. वुड्स भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कॉल ऑफ ड्यूटी में. और कॉल ऑफ ड्यूटी का तो थर्ड पार्ट तो बाप रे. ब्लैक ऑप्स थर्ड पार्ट पल्ले ही नहीं पड़ा भाई. कैसा बनाया है यार कैसा बनाया ऐसे ही बना देता है यार. मैं उसका सिर्फ एक शायद खेला था नॉर्मल खेला था ज़ॉम्बी वाला खेल के देखा. ओके पसंद ही नहीं है मेरे को गेम. और कभी देखना पड़ेगा. अभी मन ही नहीं करता यार ये सब जो मैंने नहीं खेले तो वो गेम मैं देखूँ लगता है मुझे. और क्या पता एक स्टेज के बाद ये कहीं पर अटक जाए क्योंकि एक ऐसा ब्लैक ऑप्स या कॉल ऑफ ड्यूटी कोई सा तो पार्ट था जिसमें बहुत आगे जाके अटक गया था एक जगह पे. फॉलो चलो किसका वेट कर रहे हैं यार. तो कितने लक्की हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स समझते हैं रिलेटिव समझते हैं. मेरे नहीं समझते यार ना पेरेंट्स ना रिलेटिव ना दोस्त ना और कोई कोई नहीं. मेरी नीड सिर्फ मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है मेरे पैसे का
मुझे रिस्क लेना है नहीं लेना है. अभी तक मैंने इतना इतना बोरो कर करके मैंने मतलब उधारी लेके लोन लेके मैंने बहुत सारी ये जो क्या बताया बहुत सारी चीज़ें बची है. मैंने सिर्फ इक्का दुक्का चीज़ लिए इक्का दुक्का ठीक है एक दो चीज़ लिए ठीक है उनका भी पेमेंट करना है मेरे को उनका पैसा रिटर्न करना है. रिलेटिव से भी बहुत सारा लोन है वो तो भाई नहीं हो पाएगा जब तक मेरे को यूट्यूब में सक्सेस नहीं मिलेगी मेरा अर्निंग चालू नहीं होगा मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं होगा तब तक कुछ कोई नहीं होगा. और समझ नहीं आता है मैं कितना लोन दूँ मतलब आजकल ब्याज पे मिलता है लोन दे डोंट ट्रस्ट एनीमोर बस अब दिखा दो घर दिखा दो और पूरा अपने बारे में सब बता दो क्या करते हो काम ऐसा ऐसा इनकम कितना दोगे महीने में 2,000-3,000 तो भी से लोग ब्याज लेते हैं. वह सोचते हैं कि जितना पैसा दिए हैं उतना उसके अलावा उनको कुछ एक्स्ट्रा तो मिले ठीक है यार ब्याज का लेकिन मैं कितना लेते रहूँ यार. अभी मुझे मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस भी यू वर डिटेक्टेड तो पहले बताना था ना कि नहीं दिखना है कहाँ है अब तू जाएगा तो सही टाइम में अच्छा ठीक है ठीक है एकदम झुक जाता हूँ लेट जाता हूँ मैं. अभी इसको चेंज कर सकते हैं क्या ये थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन गेम अभी चल रहा है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या ये कर सकते हैं क्या फुल नेम सेफ एरिया नहीं यार मुझे तो नहीं लगता ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई. इनफिल्ट्रेट बैकानूर कॉस्मोड्रोम कैसी कैसी जगह रहती है अरे रिंगवाते रहे हो क्या अरे यार मैं तू किधर से गया एक मिनट तू किधर से गया इधर से गया क्या ओके 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 अरे चाकू निकल गया भाई अच्छा अच्छा इससे मार रहे ना मारना अबे भेंचू गलत बटन दबा दिया था मैंने ना मैं कब से ओ दबा रहा था जबकि R3 दबाना था भाई. पुराने गेम में एक ज़बरदस्त गेम बताऊँ ट्विस्टेड मेटल 2 में बहुत खेलता था यार. मैं क्लास 4 में था तब से मेरा जो गेमिंग का इंटरेस्ट है यार क्या बताएं. पहले के रिलेटिव में मेरा गेमिंग का इंटरेस्ट मतलब मैं पहले गेम खेलने ना शॉप जाया करता था वीडियो गेम पार्लर तो वहाँ पर मैं खेला बहुत जाता था. स्कूल से आता था गेम खेलने चले जाता था साइकिल उठा के ठीक है. उसके बाद क्या हुआ ओके ये अपने दोस्त है हाँ इतने लोग रहते हैं ना यहाँ पे इतने सारे स्टाफ रहते हैं ना विलेन के कि लोगों को पता ही नहीं चलता कौन कौन है क्या है बस इक्का दुक्का पहचान बना के चलते रहते हैं. तो मैं गेम खेलने जाता था और हुआ यह था कि मेरे रिलेटिव ने मेरे फादर को कंप्लेंट कर दिया था कि ये गेम खेलने जाता है और वहाँ भेज भी दिया था. और सोचो मेरा हाल फिर क्या हुआ होगा मतलब मैं फिर वहाँ से वापस आया. मेरा उस टाइम एक बार मेरा उस टाइम बहुत बड़ी बात थी यार ये 5-10 रुपये 100 रुपये तो मेरा 100 रुपये उधारी हो गया था. एक बार मैंने पे कर दिया था यार पैसा ठीक है मतलब मेरे को मिला था 20-20 ऐसा 100 तो मैंने कर दिया था. पर दूसरी बार का 100 रुपये जो उधारी रह गया था वो तो भाई पे ही नहीं कर पाया. मैं दोबारा उस दुकान में न जा पाया न उनको पे कर पाया
क्योंकि मुझे को मना कर दिया था ना यार कि उधर उधर मेरे को घर से भी मना किए थे मत जाना और दुकान में तो शायद मैं जा ही नहीं सकता था क्योंकि दुकान में भी मना कर दिया था कि इसको मत आने देना करती अब कम ऑन यार इतना क्या था ठीक है उसके बाद से मेरा गेम का वो बंद हो गया उसके बाद क्लास इलेवेंथ में था मैं ठीक है क्लास इलेवेंथ में था तब मुझे एक फ्रेंड ने अच्छा दोस्त था मतलब दोस्त है अभी भी है पर वो बाहर चला गया उसने मुझे वाइस सिटी मतलब वो किया है ना GTA वाइस सिटी इलेवेंथ में मैंने चालू किया GTA वाइस सिटी खेलना फिर उसके बाद बहुत खेलता था मेरा कज़िन भी आता था मारना है कहीं को फक मारना है एक्शन भी फिर से आ गया एक्शन फिर से आ गया ओके अभी इधर ही ध्यान देना पड़ेगा अगर टाइम मिला तो बताऊँगा तो वाइस सिटी फिर NFS मोस्ट वांटेड ये दुश्मन है दोस्त है चलो ना यार NFS मोस्ट वांटेड तो मेरा मैं खेलता था और मेरा भाई बस बैठ के देखते रहता था मेरा भाई बस इतना चाहता था कि भैया आप खेलो मैं देख रहा हूँ मतलब उसको इतना इंटरेस्ट है था मेरे से छोटा है लेकिन गेम में उसको बहुत इंटरेस्ट रहता था तो मैं खेलता था वो देखता था मैं खेलता था वो देखता था वो मेरे मतलब वो पहले मुझे अपने घर बुलाता था कि मुझे लेने आओ मुझे गेम देखना है मुझे खेलने का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था जितना देखने का रहता था तो ये उसका जो पैशन है ये मेरा पैशन है ये जो मेरा पैशन था उसका भी पैशन था गेम पर हुआ ये कि एक दो साल खेले उसके बाद फिर ऐसी कुछ कुछ गेम्स उसके बाद फिर ध्यान हट गया फिर मैं कोचिंग चला गया फिर गेम वेम नहीं खेलता था फिर बस यार फिर कॉलेज वॉलेज फिर कोई गेमिंग वेमिंग नहीं गेम छूट गया 2007 में 2005 या 6 में जो भी है याद नहीं आ रहा मुझे 2005 में खेला होगा मैंने मोस्ट वांटेड NFS मोस्ट वांटेड लास्ट उसके बाद छूट गया 2006 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है फिर 15 में एक दोस्त 10 साल बाद उसने मुझे DMC दिखाया ओके उसने मुझे DMC दिखाया फक मैन फक बजिए वो चूतिया बजिया भोसड़ी का फक फक अच्छा उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है कौन सा ट्रक भाई मेरे चूतिया लोग ये इसी से मारना है क्या पूरा और कोई नहीं है क्या अच्छा वो एक है फूटेगा ज़बरदस्त फूटेगा पता था यार और कहाँ है कहाँ प्रोटेक्ट करूँ एक नंबर भाई एक नंबर एंट्री किया इसको ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त पर जिसको बचा रहे हैं क्या वो अपने साथ है कि दुश्मन के उसमें है भाई वो तो पता ही नहीं है ओके वीवर ठीक तो लग रहा है पता नहीं फिर 10 साल बाद उसने DMC दिखाया DMC का वो लास्ट स्टेज खेल रहा था उसने मुझे अचानक से पूछा गेम में खेलता है क्या अभी भी करके मेरे को बोला नहीं यार सब छूट गया ठीक है अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गया था मैं बहुत परेशानी में फंस गया था 10 साल तो मेरे बर्बाद ही रहे हैं यार 2005 से 2015 था उसके बाद फिर कुछ फिर मैंने DMC लाया PC में मैंने PC खरीदा कोर टू डोर मेरे पास कुछ नहीं था कोर टू डोर में खेलता था उसके बाद मैंने DMC इसमें मतलब पार किया फोर्थ पार्ट भी मैं खेल चुका था और उसके पहले नहीं यार एक और उसके पहले जब 2003 में तो जब PS2 आया था ना तब PS2
मैं घर पे ले आता था, मेरे पहचान वाले भैया थे जिनकी शॉप थी, तो वो मैं घर में ले आता था, पता है, रात भर का किराया देखिए, रात भर का किराया 200-300 रुपये कुछ था। तो अपन जो गेम खेलते थे ना, सब सीडी वीडी सब देते थे, 15-20 सीडी, 10-15 लाते थे सीडी और फिर गेम खेलते थे। और मैं ज़्यादातर मैं लाता था, कभी कभार मेरा भाई आता था, एक और मेरा कज़िन भाई है वो बाहर रहते हैं तो वो भी आता था कभी कभी, पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर मैं ही खेलता था। तो उस टाइम मैं बहुत सारे गेम खेलता था यार, एक्सबॉक्स में इतना 4 प्लेयर वाला कोई सा गेम था बताऊँ, जिसमें 4 लोग गाड़ी चलाते थे। हाँ मतलब उस बीच में मतलब बहुत खेला हूँ मैं, मतलब क्लास कौन से में था, मैं 8th या 9th में था कि 10th में था वही याद नहीं आ रहा, यही ऐसी कुछ में था। तब उस टाइम में गेम शॉप जाता था खेलने, CTR हम लोग CTR भी खेलते थे। और सबसे पहला गेम मेरा था कॉन्ट्रा था, कॉन्ट्रा जो मैं क्लास 4 में खेला था, फिर मैंने मारियो खेला था। ओके ड्रैगन ऑफ आई वांट इट, अरे ड्रैगन ऑफ चाहिए मुझे, ले लूँ इसको कि ये रखे लो भाई, तेरे पास 2 ऑप्शन है देख, या तो ये नहीं यार इसका अच्छा नहीं, बताऊँ मैं देखा हूँ इसका अच्छा नहीं, हिलते रहता है इसका स्कोप, अच्छा होता तो ज़रूर लेता यार। ओह फक, एनिमी डाउन। तो उस बीच में बहुत सारे गेम खेले यार मैंने, जेम बॉन्ड के भी गेम आए थे वो, और मेरे को याद नहीं यार नाम, बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम। फक चेंज इट, ला 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 ला, फूटेगा अभी बेटा, नहीं फूटा क्या चूतिया साले, क्यों नहीं फूटा भाई। ओके यहाँ पे ऐसा काम कर रहे थे, मरेगा साले, मरेगा मरेगा, क्यों काम नहीं कर रहे यार यहाँ पे, ले मरवाओ एक साथ, बम इधर भी फेंका उसने, अच्छा सब छूट गया एक समय के बाद। उसके बाद फिर 2015 में मैंने लिया एक्सबॉक्स 360, तो उसके बाद ही कुछ गेम में मतलब बहुत सारे मेरे खेलने का मन था, बहुत सारे गेम करवाए मैंने 40-50, उसमें से कुछ खेले 10-15 उसको मैंने पार किए, फिर 10-15 गेम मैंने फिर चेंज कराए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था कॉल ऑफ ड्यूटी का, तो कॉल ऑफ ड्यूटी का मुझे ये सारे गेम जो डले हुए हैं उस समय से डला है, बहुत समय हो गया, और फिर भी मैं नहीं खेल पाता था, टाइम नहीं था, प्रॉब्लम में फंसा था, नए नए टाइप की प्रॉब्लम आती थी भाई, ये 10 साल तो मैं बहुत झेला हूँ और अभी भी झेल ही रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम लाइफ से कभी ख़त्म नहीं होती यार, चाहे आप कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आप कुछ भी करवा लो, कितना भी कुछ भी यार कुछ भी, ए जिंदा है क्या, जिंदा नहीं है, तो प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती भाई लाइफ से, प्रॉब्लम आती ही रहती है, प्रॉब्लम कभी ख़त्म हो। अच्छा प्लांट C4, तो बस भाई ऐसा है। फिर इस बीच में क्या रोला मेरा, मैं चश्मा नहीं लगाता था, जब मुझे चश्मा लग गया था 2006 से लग गया था, ठीक है, मैंने 6 साल चश्मा नहीं लगाया, मतलब क्या हुआ था, मुझे किसी ने मिसलीड किया था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, पर मैं चश्मा लगाता था और मुझे मिसलीड किया गया 2006 में ही, जब चश्मा लगा, चश्मा उश्मा क्या लगाना ऐसा करके बहुत मिसलीड किया गया भाई। तो ओके ओके इसे उड़ाना है भाई, ओ वाओ पड़ा भाई, गेट टू द टनल्स भाई, फक, अब फिर से इसकी गन वन सब छिन जाएगी बता रहा हूँ, सब लोचा पानी हो जाएगा, ये देख पड़ी ना, अभी ये क्या जॉम्बी बन गए क्या,
ये ज़ॉम्बी बन गया है क्या? पता नहीं यार. ठीक है ना, ठीक है ठीक है, मार रहा हूँ. नहीं देख लूंगा, नहीं देख लूंगा इन लोग को. चूतिया रुक गए तुम्हें साले, तू मारेगा यहाँ से अभी, मैं देखते रहूँगा. ओहो क्या स्टाइल से मार रहे यार. वाली गन चेंज कर लेना. हाँ यार, ये चूतिया गन लग रही है मेरे को एकदम हार्ड. फालतू का चूतिया गन है. एक्सटेंडेड मैग नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही, पर अच्छी चल रही है ये, ज़्यादा अच्छी है. पर इसकी गोलियाँ मिल जाए बस. ओहो तू खड़ा ही तो सा नहीं यहाँ पे. फक फक कोई मारा तो आपका मन की शांति तभी लगेगी जब आप लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो. अगर आप नहीं करोगे आपके पसंद की चीज़, तो आप ही के लिए बुरा है यार. मैं तो आज की जनरेशन से ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के प्रेशर में मत आना. मतलब अगर आपको कोई चीज़ करनी है, अगर आप में इतनी समझदारी है कि आपको लाइफ में क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब पता है. ठीक है, जनरली होता क्या है, हमारा जो स्कूल लाइफ के बाद 18 साल के बाद अपना 17 साल में, अभी ग्रेनेड 17 साल में अपन जो होता है ना, स्कूल के बाद अपने को कॉलेज में डाल देता है. ठीक है, कॉलेज में ठीक है, चलो थोड़ा बहुत BSc करना है, MCOM करना है, MTech, मतलब जो भी है आपका, जो भी ग्रेजुएशन डिग्री करना है वो, चलो ठीक है वहाँ तक ठीक है. लेकिन जब आपको कैरियर चुनने की बात आती है, फिर आप क्या बनोगे, क्या करना है, तो हर एक को आज यार डॉक्टर इंजीनियर, मतलब पेरेंट्स जनरली ऐसे ही पहले सोचते थे कि इसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, या तो पुलिस या लॉयर, ये सारी चीज़ें. ठीक है, फक मेरे को मार रहा है यार, मेरे को मार रहा है. तो यही सब मैं स्कोप है ऐसा पहले सोचा जाता था, पहले स्कोप भी था, पर अब इतने हो गए हैं, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, अभी भी है, ऐसा बोलता नहीं हूँ कि नहीं है. पर यार क्या तुम लोग करना चाहते हो, क्या तुम लोग करना चाहते हो जो तुम्हें घर वाले करवा रहे हैं, या तुम्हारी मंजिल कुछ और है, ये तुम्हें डिसाइड करना है. सो यू हैव टू डिसाइड वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ मैन. ये चूतिया है क्या, घोसड़ी का ये कौन है, मादर चूत मारे जा रहे हैं. ठीक है, तो वो तुमको डिसाइड करना है यार. मैंने क्या किया, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया. ठीक है, बहुत सेक्रीफाइस किया मैंने अपने ड्रीम के लिए, मेरा जो ड्रीम था उसके लिए, है ना. मैंने अपने ड्रीम के लिए लाखों का लॉस सहा है, अभी भी लाखों का लोन है, रिलेटिव से है, बैंक में है, जस्ट टू डू व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. और मुझे पता है क्या करना है, अब कब होगा, क्या होगा, कब मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं कुछ नहीं जानता. पर मैं इतना जानता हूँ यार कि मैं अपनी लाइफ का एक एक सेकंड मेरा रहे ऐसा चाहता हूँ. मतलब देखो, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको तो मैं नहीं बदल सकता, मेरे हिसाब से हर चीज़ नहीं हो सकती. लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपको लाइफ मिली है तो उसका आप हर पल आप अपने हिसाब से जियो यार, क्योंकि उसमें कुछ बुरा भी नहीं है यार. देखो आपकी लाइफ है, आपकी आदत है, ठीक है, आपका बिहेवियर अलग है, आपका नेचर अलग, आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, आपको बेहतरीन, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. ठीक है, तो आप वही करो जो करना चाहते हैं. चूतिया साले गोली भर रहे, ठीक है, इधर उधर के बहकावे में मत आओ, अपना डिसाइड करना सीखो यार लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है. अभी तो बहुत स्कोप बढ़ गया है यूट्यूब में, बहुत लोग भी आ गए हैं, ये बहुत स्कोप, बहुत यूट्यूब में लोग कमाने भी लग गए थे, अच्छा कमा रहे थे लोग. लेकिन जो लोग जिनसे हमें पैसा मिलता है ना यार, वो होते हैं मेन एडवर्टाइजर्स. तो एक बैड न्यूज़ आई कि एडवर्टाइजर्स अब एड्स नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं कि ऐड किसके में डालें, क्या करें, ये सब कुछ बस
फक 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 हाँ तो तू ही तो आया मेरे रास्ते में वही है चूतिया एक जन को मार नहीं सके भाई तुम लोग हाँ सामने में खड़ा है वहाँ पे ये आए जा रहे ले लो मरवा लो अबे बॉम्ब फूटा अब इतने देर बाद फूटता है भाई यहाँ इसका बॉम्ब पाँच सेकंड बाद फूटता है यार पाँच से सात सेकंड अबे इन लोग आते ही रहेंगे क्या ओहो ओहो तो आप भी लाइक करो उबे मर गया चूतिया साले मार दिया था तो देखो यार तुम लोग डिसाइड करो तुमको क्या करना है तुमको खेलना है तुमको डांस पसंद है तुमको गाना गाना पसंद है वो तुमको बचपन में ही दिख जाएगी तुम्हारी हॉबी जैसे देखो मेरा बचपन में ही दिख गया था मैं क्लास फोर में था मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था यार ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी ये हॉबी मेरा ये पैशन मतलब इस हद तक कभी मैं करूँगा लाइव मतलब अनलाइव जो भी है रिकॉर्डिंग यूट्यूब कभी नहीं सोचा था यार कभी नहीं सोचा था मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में चूतिया मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए किया है यार मैंने बहुत सारा कॉलेज लाइफ में ठीक है सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने डैड का सपना फादर का सपना पूरा कर सकूँ पर वो नहीं हो पाया कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कुछ पर्सनल इश्यूज कुछ प्रोफेशनल इश्यूज आ गए और मैं नहीं कर पाया उनका सपना पूरा नहीं हो पाया उसके बाद था मेरी मॉम का सपना मेरी मॉम का सपना था शी वांट टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोलॉजर में उनका नाम फेमस हुआ था ठीक है तो मैंने उनका सपना पूरा करने की भी कोशिश की कर रहा हूँ अभी भी कर रहा हूँ मैंने जैसे स्टार्ट किया छः महीने बाद मुझे टोक दिया गया कि ये सब क्या है ये सब मत करो एस्ट्रोलॉजी ये वो दुनिया भर का मैंने बहुत एक्सपेंड करने का सोचा बहुत एक्सपेंड भाई मतलब बैनर लगाने का फुल पब्लिसिटी करने का उसके लिए मैं खर्चा करने को भी तैयार था पूरा इधर से उधर जाना बहुत भागा दौड़ी तो किया भी मैंने तो अच्छा चला एक आध साल छः महीने बहुत अच्छा चला यार झूठ नहीं बोलूँगा छः महीने थोड़ा डाउन हुआ फिर उसके बाद एक डेढ़ साल बहुत ख़राब किया तो मतलब कुल मिला के मेरा ढाई साल दो साल में बर्बाद मानूंगा छः महीने क्योंकि अच्छा था पर मैं पहले भी कर सकता था पर मैं चाहता था यार कि जैसे लोग आते हैं और पूछते हैं उनको पहले क्योंकि मैंने बहुत समाज सेवा करी हेल्प करने के लिए मैं लोगों के पास जाता था उनका सब चीज़ देख कर बताता था एस्ट्रोलॉजी में तो उसके बाद मुझे लगा यार अब बस अब तो कोई चांस नहीं है यार सिर्फ यूट्यूब एक वो रह गया था तो मैंने यूट्यूब पे बनाया अपना चैनल अभी रॉक्स एस्ट्रोलॉजर और ये मैं अपनी मॉम का सपना पूरा करने के लिए कर रहा था ठीक है तो उस पर मेरे वीडियोस हैं और मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया ठीक है 2018 जनवरी एस्ट्रोलॉजी ठीक है उसमें कुछ वीडियोस कुछ 100 के ऊपर है और गेमिंग में भी मेरे को गेमिंग वाला मैंने भी अभी चालू किया मतलब फेब से ही चालू किया मतलब 25th of January मान लो 25th of January से मैंने चालू किया तो गेम मैं पहले GTA डाला उसके बाद जो भी बस गेम थे उनका पर ऐसा कोई मुझे लगा नहीं कि मतलब कुछ गेम मुझे पसंद नहीं थे कुछ गेम्स पसंद थे तो मुझे जो पसंद थे जो मैं खेलना चाहता था वो गेम्स में डाल रहा हूँ ना कि दुनिया भर के गेम्स यार मेरे पास अनचार्टेड भी रखा हुआ है अनचार्टेड 1, 2, 3 ब्रेक्स फॉर्चून जो है और अमंग थीव्स ये सब रखा हुआ है मेरे पास प्रिंस ऑफ पर्शिया भी था पर मैं नहीं खेलना चाहता तो मैं नहीं खेला ये सब खेल के देखा यार ये सब गेम मुझे पसंद नहीं आते पता हूँ मेरे को ये गन वाले गेम पसंद आते हैं
बचपन में मैं छोटा था तो मैं खिलौने में अपने मतलब गन ही पसंद करता था। मेरे पास बहुत सारी गन थी बचपन में जितने रहते हैं सर, तो गन ही पसंद करता था मेरे को। ये असासिन क्रीड, प्रिंस ऑफ पर्शिया और बैटमैन, बैटमैन में भी मुझे पसंद नहीं आता यार, नहीं पसंद आता। मतलब वो कैरेक्टर अच्छा है, उसकी मूवी भी अच्छी है, पर उसका गेम पसंद नहीं आता। जैसे हैरी पॉटर मुझे कितना पसंद है, हैरी पॉटर की सारी सीरीज मेरे पास है। मैं जब आता है टेलीविज़न पे, जब मुझे टाइम मिलता था, मैं उसे पूरा देखता हूँ सब छोड़ के। पर उसका जो गेम है उसमें से जो मूवी में हुआ वही दिखता है, तो उसमें वही रहता है हॉगवर्ट्स का, स्कूल का लाइफ का, तो वो गेम भी मुझे उतना खास नहीं लगा। फिर मैंने एक गेम देखा था कैथरीन, कैथरीन गेम्स है मेरे पास, पर उसमें क्या है ना यार, कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला रहता है और कुछ खास रहता नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा। तुम लोग को बताऊँ, उसको लोग देखेंगे ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीन हैं। फिर एक मैंने डाउनलोड किया, फिर मैंने वो गेम वो किया था परचेस, क्या बोलते हैं अपना, सौ का भी गेम मैंने किया था, तो वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा यार। फिर एक जो कौन सा कार्टून नहीं आता यार, फैमिली, द फैमिली गाय का भी मेरे पास गेम है। वो जो बच्चा रहता है स्टुअर्ट, मतलब, और एक डॉगी रहता है और एक पीटर रहता है, पीटर ग्रिफिन, तो वो गेम भी मैंने डाउनलोड मतलब बाय किया, पर कुछ खास नहीं लगा यार मुझे वो गेम। रखा हुआ है मेरे पास गेम, पर मैं खेलने का मन नहीं होता। मैं जितने सारे गेम हैं उनको मैंने अभी नहीं खेला है। चूतिया, फाइट बैक, मार्शल, ओके। मैंने उसका ग्रेनेड का क्लिप निकाल के उसी के जेब में डाल दिया। फक, तो ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, हाँ ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, वाह चूतिया साले। ये दुश्मन, अरे पीवीटी, चूतिया, ओहो मार देंगे, मार देंगे, चूतिया चूतिया। अभी वो क्राई अपने ही है यार, वो अपने ही है, प्लीज डोंट शूट हिम। ये दूसरी गन कौन सी, ओब कोई गन है, बाप रे, अरे नहीं चाहिए यार ये चूतिया गन लगे तुम लोग, बहुत बड़ी इतना भारी गन है। मैग ले लेता हूँ यार, मैग ले लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छी गन है भाई, वो मशीन गन से तो अच्छी है। ओके मैं लेट के जाना पड़ेगा, क्या पता यार बाहर का माहौल कैसा है, होली वाला मुझे कोई मतलब भी नहीं रहता, बस आई नेवर प्ले। लास्ट होली मैंने खेली थी अपनी मॉम के साथ, लास्ट दिवाली भी जो पटाखे मैंने फोड़े थे मॉम के साथ, तो मेरी मॉम दिवाली के समय ही 15 साल पहले पास हुए होंगे, तो उसके बाद से मैं दिवाली नहीं खेलता हूँ, पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, मतलब दिवाली नहीं मनाता हूँ, और फिर हाँ पूजा वूजा करता हूँ, लक्ष्मी पूजा एंड ऑल दैट। दबा दे, बढ़िया, एक नंबर, ठीक है वो सब करता हूँ, पर होली में रंग गुलाल ये सब दुनिया भर करते हैं। अरे सॉरी यार, ये है चूतिया लोग, बताना तो चाहिए कौन है अपने कौन है पराए। तो तब से मैं होली नहीं खेलता यार, भोसड़ी के कहाँ से आ गए यार, कहाँ से आ गए, चूतिया चूतिया साले चूतिया। अबे कैसी गन रखा है भाई, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अच्छा 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 अच्छा, डेटोनेटर डेटोनेटर, दबा दबा दबा, ओके ये पहले ही कर लेता तो इन लोग को झेलना नहीं पड़ता। फॉलो, ओके बढ़िया गन है कि M16 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए M16, डिस्ट्रॉय द T5 टेल्स। अच्छा
ओके डिस्ट्रॉय करो डिस्ट्रॉय करो कहाँ से करूँ यार चेंज कर एक मिनट ये चूतिया लोग को मार भाई चूतिया चूतिया अरे यार जल्दी मार आ गए पास आ गए ठीक है बंद ओके ओके दूसरा आ रहा है ओके टू ठीक है तीसरा आ रहा है तीसरा आ चुका है गया ठीक है वेरी गुड चेंज करो गुड शॉट तो है भाई ये तो दुश्मन नहीं दोस्त है तो यार तब से ना मैंने होली के लिए दिवाली मनाई दोस्त भी थे कभी कभार मतलब बहुत साल 10 साल पहले का बात हो गया यार ऐसे टीका विका लगाने लगे थे हम लोग क्या रहते थे पहले रिलेटिव लोग जो थे हम लोग यहाँ रहते थे बुलाते थे तो हम लोग उनके यहाँ पे जाते थे थोड़ा बहुत ऐसे ही टीका विका लगाते थे जो होली का जो रहता है टीका बस टीका लगा कोई पानी वानी वाला नहीं फिर उसके बाद अरे हटना फिर उसके बाद शाम को कुछ अच्छा खाना बनता था घर में ही खाते थे रिलेटिव के यहाँ उन लोगों को भी अच्छा लगता था हम लोगों को भी अच्छा लगता था मम्मी के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था अरे ये गन यूज करना साले मार सबको अबे यार ये तो गर्म हो जाती है तुरंत ज़्यादा चलाने से बहुत देर तक मारना पड़ेगा भाई बहुत देर तक मारना पड़ेगा जो इधर आएंगे ना उन लोग को मारो ये देख इधर से ये लोग आ रहे हैं बस ये छुपाए है ना फिर ये आ रहे चूतिया ये दो लोग जो लोग इधर आ रहे हैं बस उनको मार ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सबको नहीं मार पाएगा तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यार मेरे में चेंजेस आते गए गर्म हो गया यार मतलब 25 साल तक अब तक मैं खाना बहुत सीधा था अभी तो मेरी एज 30 हो गई यार 30 साल का हो गया हूँ और ये काम मुझे बहुत 10 साल पहले शुरू कर देना था यार तो मैं अभी तक तो सफलता मिल ही जा सकती हाँ 10 साल पहले भी मैंने कुछ अपलोडिंग किया था यूट्यूब में पर मुझे नहीं पता था यार उसमें पैसे मिलते मोनेटाइजेशन ये वो सब कुछ पता ही नहीं था मैं अपने कॉलेज चला गया था और जो मेन रास्ता था मतलब जो मैं करना चाहता था वो सब अपना छोड़ छाड़ के अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करने चला गया था तो अभी भी मैं मॉम का ड्रीम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ साथ ही में मेरा ड्रीम है यहाँ बस यही मतलब गेमिंग जो मुझे पसंद है फिलहाल तो मैं सोच रहा था कि मतलब ऐसे ड्रीम तो है अलग अलग है लेकिन अभी अब हम कितने देर तक मारते रहेंगे यार लोग तो आते ही रहेंगे छोड़ो इसको चूतिया और तुम लोग साले नीचे जाके मारो सबको नीचे जाके मार सबको ऐसे नहीं चलेगा भाई ऐसे नहीं चलेगा ठीक है लाइन से जा सबको दबो ये हवा में मारा रहता मैं इसको मेरे को देख लिया बच गया आते ही जा रहे हैं ना दिक्कत ये हो रही है आते जा रहे हैं ये मरेगा साले कहाँ चढ़ गया है ओके आगे जाना मरेगा देख यही गलती भाग अगर पार करना है तो भाग रीटेक द हिल क्योंकि लोग आते ही रहेंगे चूतिया हट कौन मार रहा है यार प्लीज कौन मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है यार फॉलो
ओके अभी इसको फॉलो करना है वुड्स को. चलो और क्या देखा जाएगा. सब लेट के मार रहे हैं. Fuck that shit. तो अभी खुद किसने मारा. अभी पूरा फ्लेम मार दिया था साले. चूतिया लोग. अबे अबे चढ़ 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 चढ़. प्लीज 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 चढ़ जाओ. चूतिया इतने सारे लोग. भाई इतने सारे लोग. मरेगा मरेगा तू गया. Fuck man वो कौन है. मार उसको. उसको भी मार. उसको भी मार. ओके हम धीरे धीरे जा रहे हैं ऊपर. कोई जल्दी नहीं है. अरे उधर कहाँ देख रहा था भाई. मैं तो इधर हूँ. चूतिया कोसड़ी का पढ़ रही है. अरे पढ़ रही है. कोई मार रहा है. पढ़ रही है. पढ़ रही है भाई. पढ़ रही है. चलो अबे पता था कुछ ना कुछ लोचा हो गया. ये होता ही है. अबे वुड्स की गन भी काम नहीं कर रही है. वुड खाया भाड़ से. अबे जब कम काम नहीं कर रही थी तो गन से मार देता ना. बचा लिया मैंने वुड्स को. हे वुड्स आई सेव्ड यू. वाह अब गन वापस आ गई. वाह डू नॉट एंगेज. बिल्कुल मत पढ़ना उन मामलों में जिन मामलों से आपको कोई मतलब नहीं. लाइफ में भाई ये बहुत काम आता है. आप अपने काम से मतलब रखो. दूसरों के मामले मत पढ़ो. कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है ऐसा मैं बोलता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है यार. मुझे खुद फ़र्क पड़ता है. चले क्या फ़र्क रे तुम लोग चूतिया लोग. ये दुश्मन है. बढ़िया रीलोड कर रीलोड कर रीलोड. ओ हो 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 बढ़िया. और कोई है. नहीं नहीं और कोई नहीं. ये अपने दोस्त है या दुश्मन है मुझे ये नहीं पता भाई बस. अरे भाई एक और आ रहा है. टैंक टैंक एक और आ रहा है. छुटिया साले बोला भी था. टैंक को मार टैंक को मार. यार मरवाएगा मरवाएगा साले. ओके वेरी गुड. और कोई है. हाँ भाई एक और है. टैंक पड़ा कहाँ है. एयर सपोर्ट. ये तो दिख नहीं रहे यार. कोई मार रहा है यार. अभी चूतिया डिस्ट्रॉय. कैसे करोगे इसको डिस्ट्रॉय. कैसे करोगे इसको डिस्ट्रॉय. मरेगा साले मरेगा 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 मरेगा. सी फोर लगा मर गया साले. कैसे डिस्ट्रॉय करूँ. ओहो इतने सारे टैंक भाई. मेरी गन कहाँ गई यार. मेरी गन कहाँ गई. ऐसा तो कभी नहीं हुआ यार पहले. कुछ दिख ही नहीं रहे यार मेरे को. मैं कहाँ से मारूँ किससे मारूँ यार. अरे चाइना लेक. चलो देखते पीछा करते पीछा करते. नहीं पढ़ रहे हैं उसको. नहीं पढ़ रहे हैं. मेरे को पढ़ जाएगा. ये नहीं कैसे मारूं यार. कैसे मारूं. कहा हो तुम लोग. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई. ए भाई चिपक देगा मेरे को.
बोलिया ही नहीं है, बोलिया ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ से ये मरेगा, मरेगा भाई तू, मरेगा तू, तो कहीं जा ही नहीं सकता भाई, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मेरे AK-47। अरे यार ये नीचे का गायब हो गया यार, नीचे का जो है ना वो गायब हो गया, टैंक को पड़ेगा ही नहीं पहली बार, टैंक को पड़ेगा ही नहीं पहली बार, नहीं पड़ेगा भाई, गोलियों से थोड़ी बार है, फक यार कहाँ से चढ़ूँ क्या करूँ भाई, अरे यार क्या हो गया यार, क्या हो गया, और अपने दोस्त लोग कहाँ गए यार, चल चल चल, नहीं जा सकता क्या आगे, आगे नहीं जा सकता भाई, तो इसको भी कैसे डिस्ट्रॉय करो यार, कैसे डिस्ट्रॉय करो यार, इसको रिफिल कैसे करो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार, फिर चेक पॉइंट से लाना पड़ेगा यार, अटक गया यार, अटक गया, ये अच्छा नहीं लगा यार, इतना आगे आके कहाँ से रिस्टार्ट से लाऊं यार, सेव एंड क्विट करता हूँ, चलो यार बंद करना पड़ रहा है फिर फालतू में, क्या होता हूँ मैं, अटक गया थोड़ा, यही अटक गया था, मैं अभी रॉस 2 7 8 7 यो